पानीपत के गांव ऊझा में दो बाइक सवार युवक हिमांशु नामक युवक को गोली मारकर फरार। पुरानी रंजिश के चलते दिया वारदात को अंजाम। घायल हिमांशु को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में करवाया गया भर्ती। घायल के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू। पानीपत में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सरेआम गोलियां चलाने से नहीं कतराते आरोपी। ताजा मामला देर रात पानीपत के ऊझा का है, जहां हिमांशु नामक युवक अपने भाई के साथ घरेलू सामान लेने निकला था कि एकता विहार कॉलोनी निवासी दो युवक आए और हिमांशु के सिर पर गोली मारकर फरार हो गए। क्या मामला है? देखिए कि लड़के को बुलेट इंजरी हुई है, अभी हम जांच कर रहे हैं सारा मामला। जी, अभी हम सारी जांच कर रहे हैं। जी, गोली किसको लगी है? जी, गोली किसको लगी है? एक हिमांशु नाम का लड़का है, शक्ति विहार कॉलोनी का, वो सारा हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो पुलिस ने इसमें सर कुछ केस दर्ज किया? हाँ, अभी FIR लॉज कर लिया हमने और आगे जांच कर रहे हैं। घायल अवस्था में हिमांशु को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। मैं और मेरे मामा का लड़का और एक यार दोस्त सामान लेने गए थे घर का, ठीक है। सामान लेगा मैं गया, मामा का लड़का बोला मैं घर जा रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू घर चला जा, ठीक है। इतने में उनकी लड़ाई हो रही थी कहीं और, तो अपना हम सामान लेकर गली में आए तो वे सिक्सर लेकर घूम रहे थे। मैंने कहा क्या बात होगी, तो वे मुझे तो बोले नहीं, मम्मी बोले तू आर का टीम है, लड़ाई हो जाएगी तो अपने घर जा। तो इतने में उन्होंने ठहक है सिक्सर मेरे मामा के लड़के का लगाए कन पट्टी पे और गोली चला दी। उनके दो लड़के और साथ में थे आगे, वे भगाया के ले गए। एकता बिहार कॉलोनी के रहने वाले आए, मुन्नी के आए दो लड़के गौरव सौरभ, वे ले गए उन्हें भगाया। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट।